चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है खंडवा से, नर्मदा नदी में नाव पलटी है। खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं, पुल से टकराने पर नाव पलटी है, 8 महिलाओं को गोताखोरों ने बचाया है, 6 से ज्यादा लोग डूब गए हैं, करीब 15 लोग नाव में सवार थे। बड़वा के नाव घाट की घटना है। खंडवा से खबर, नर्मदा नदी में नाव पलटी है, पुल से टकराने पर नाव पलटी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद गुप्ता हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, नर्मदा नदी में नाव पलटी है, पुल से टकराने पर ये नाव पलटी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ताजा मामला तो जो है 12 लोग सवार थे जो चुनरी चढ़ाने के लिए मां नर्मदा को गए थे, लेकिन अचानक नाव पानी में पलटना ये कारण समझ में नहीं आ पा रहा है अभी तक। लेकिन नाव पलटी, उस पर 12 लोग सवार थे जिसमें से 9 लोगों को बचा लिया गया है और 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मौके पर SDM और मोटक्का पुलिस चौकी प्रभारी अंजू शर्मा भी मौजूद है पुलिस दल के साथ, और वहाँ नाविकों के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा 2 और लोगों की तलाश जारी है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो लोग बचाया गया उनकी हालत जिस तरीके से तस्वीरों में बताई जा रही है कि कुछ लोगों की हालत गंभीर दिखाई दे रही है, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी, उनको ओंकारेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सनावत पहुंचा दिया गया है, और इसमें SP भी मामले में संज्ञान ले रहे हैं और वो भी मौके पर पहुंचने वाले हैं, अपर कलेक्टर भी पहुंचने वाले हैं मौके पर, और पूरे मामले को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही भी नजर आती है, जहां नाव का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है और नाव की स्थिति भी खराब है, उसके बावजूद भी नाविकों के द्वारा नाव ले जाई जाती है और ना ही उनको जिला प्रशासन या NITC के द्वारा सही नाव के लिए चयन के लिए बोला जाता है और ना कोई प्रतिबंध है। और अचानक नर्मदा जी का पानी ओंकारेश्वर बांध से छोड़ा गया था और उस कारण भी ये दुर्घटना संभवित है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो खंडवा से ये खबर, जहां पर नर्मदा नदी में अचानक नाव पलट गई, पुल से टकराने पर ये नाव पलटी है, हालांकि लापरवाही कही जा सकती है, साफ तौर पर लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, हालांकि गोताखोरों ने 8 महिलाओं को बचा लिया है।